हेलो फ्रेंड्स, प्रीतम डेलिशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और अभी सर्दी का मौसम है तो मेथी भी बहुत आ रही है, तो यहाँ हमने मेथी ले ली है। मेथी के पत्ते पत्ते हमने तोड़ लिए इस तरह, मेथी की डंडी नहीं तोड़ना है, सिर्फ पत्ते पत्ते तोड़ना है। और यहाँ हमने 8 से 10 लहसुन, हरी मिर्च 8 से 10 और हरा धनिया बारीक काट लिया। अब इन्हें हरी मिर्च और लहसुन को हम बारीक पीस लेंगे मिक्सी में। ये देखिए हमने हरी मिर्च लहसुन को बारीक पीस लिया है। अभी हम मेथी के जो हमने पत्ते तोड़े थे उन्हें हम चाकू की सहायता से बारीक काट लेंगे इस तरह। ये देखिए हमने मेथी को भी अच्छे से काट लिया है। ये मेथी काट के तैयार है। अब हम यहाँ आटा ले लेंगे। ये हमने आटा ले लिया यूं का, इसमें हम मेथी डाल देंगे। ये हमने थोड़ी सी मेथी रख ली है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो हमने जो मिर्च और लहसुन को बारीक पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा हाथ से क्रश कर लेंगे, 1 चम्मच सौंफ से भी हाथ से क्रश कर लेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और 1/2 चम्मच हम मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च पाउडर कम डालेंगे क्योंकि हमने यहाँ हरी मिर्च डाल दी है। हरा धनिया बारीक काट के डाल देंगे और अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक हमें ज़्यादा डालना है क्योंकि हम यहाँ मेथी और मसाले भी ऐड करेंगे। जितना हम आटे में डालते हैं उसे डबल टेबल हमें नमक डालना है। और यहाँ हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। जो हमारे मसाले हैं और जो मेथी है उस अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। देखिए इस तरह हम हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स करके, आटा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें हमने पानी गर्म कर लिया है थोड़ा सा, में डाल देंगे और अच्छे से टाइट आटा लगाएंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें टाइट आटा लगा लेना है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा के तैयार कर लेंगे। इससे क्या है ना, हमारे पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। बस ये हमारा आटा लगा के तैयार कर लिया। हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये हमने ढक दिया है तो 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम यहाँ थोड़ा सा आटा लेके सूखा हम रोई बना लेंगे और इसे रोटी की साइज का बेल लेंगे। हमने आटा, सूखा आटा लगा के इसे अच्छे से बेल लेंगे। इस तरह पराठे बनाने से बहुत ही टेस्टी लगते हैं, फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरह रोटी साइज का बेल लेंगे। इसे थोड़ा मोटा ही रहने देना है क्योंकि पराठे मोटे रहते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। हमने पराठा रोटी अच्छे से बेल ली है इसकी। तो हमने तवा गरम कर लिया है 1 लीटर। हम इसे पराठे को डाल देंगे और इसे सेकेंगे। अभी हमें यहाँ तेल नहीं डालना है, पराठे को सेकेंगे, तेल हम बाद में डालेंगे। हमने पलटा लिया है पराठे को दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक के। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये देखिए पीछे से भी हमारा पराठा अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसमें तेल डालेंगे और इसे अच्छे से सेक लेंगे तरह दबा दबा के। दूसरी साइड से भी तेल डाल के दूसरी साइड से भी सेक लेंगे इसे। देखिए एकदम क्रिस्पी और मुलायम पराठे हमारे बनकर तैयार है। आप इन्हें धनिए की चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, किसके साथ भी, दही के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये एकदम हमने इसमें मसाले भी डाले हैं तो आप इसे दही के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे और आप ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ठीक है, हमारा पराठा अच्छे सीख चुका है, कितना अच्छा दिख रहा है, क्रिस्पी। अब हम दूसरे पराठा भी इसी तरह हम सेक लेंगे।
देखिए इसमें भी हम तेल डाल लगा लेंगे और दोनों साइड से तेल डाल के सेक लेंगे। यहाँ हमारे मेथी के पराठे तैयार है। आप इन्हें बच्चों के टिफिन में या सुबह के ब्रेकफास्ट में बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।